सत्र के दौरान संसद में आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच व्यंग बाण चले। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, ये रिपोर्ट देखिए। सदन में अक्सर संग्राम होता है तो कई बार गर्मागर्मी हो जाती है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में आज हल्के फुल्के माहौल में व्यंग बाण चले। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और राजेंद्र राठौड़ के बीच हल्की फुल्की बयानबाजी हुई। राजेंद्र राठौड़ ने धारीवाल की तारीफ भी की। राठौड़ ने कहा कि वो धारीवाल की बुद्धि और सामर्थ्य को धन्य मानते हैं। इतने छोटे समय के लिए बुलाए गए सत्र में भी आपने 9 विधेयक सदन के पटल पर रख दिए। राठौड़ ने धारीवाल के हुनर की तारीफ करने के साथ ही चुटकी भी ली। राठौड़ ने धारीवाल को आग्रह पूर्वक कहा कि जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगो तो उससे पहले अपने शीश का दान भी कर देना, ताकि ऐसे शीश का शोध करके ये पता लगाया जाना चाहिए कि इतनी बुद्धि और सामर्थ्य कहां से आया। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। एक संक्षिप्त सत्र में पहले आप मंत्री होंगे जिन्होंने आज 9वां एक्ट पायलट किया है, 9वां विधेयक पायलट कर रहे हो। ये आपकी बुद्धि को, आपके सामर्थ्य को मैं धन्यवाद देता हुआ जरूर कहूंगा कि जब कभी एक दिन समय के साथ सबको जाना है, एक बात जरूर कर जाना कि अपने इस शीश के दान की घोषणा कर देना। भगवान आपको लंबी उम्र दे, ताकि लोग खोज तो करें कि एक आदमी संजय की तरह जिसके पास सारे विभागों की जानकारी आ जाए और सारे विभागों का जवाब बिना तर्क के दे दे, इसलिए मैं आपको आपसे निवेदन कराता। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता लगना चाहिए कि संजय जैसा व्यक्ति राजस्थान विधानसभा के सदन में भी रहा, जिसे सभी विभागों के बारे में जानकारी थी। राठौड़ ने कहा कि धारीवाल के शीश के दान की घोषणा से ही ये संभव हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना भी की, तो धारीवाल ने राजेंद्र राठौड़ से कहा कि आप मुझे समझ नहीं पाए। फर्स्ट इंडिया के लिए ऐश्वर्य प्रधान के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।